अगर आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत पैनिक सिचुएशन है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट 50% इवन किसी किसी टोकन में 60-70% तक क्रैश है। और ऐसे पे क्वेश्चन ये है कि आपकी जो होल्डिंग बनी हुई है, आपका पोर्टफोलियो जो डे बाई डे आपको रेड में जाता हुआ नज़र आ रहा है, कम होता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें आप एक छोटा सा चेंज करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं एक क्रैश होती हुई मार्केट से, ताकि जब बुल रन आए उस टाइम पर वही क्रैश्ड मार्केट, वही आपका पोर्टफोलियो कई गुना ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे सकता है। इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं स्टेकिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आप किस तरह से बाइनेंस में स्टेक करके अप टू 120% तक का रिटर्न ले सकते हैं अपने फेवरेट क्रिप्टो टोकन्स पर या कॉइन्स पर। सो अगर आप भी एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं या फिर आपकी होल्डिंग बनी हुई है किसी टोकन में और आप ना तो अभी सेल कर पा रहे हैं और ना ही आप अभी और ऐड करने की सिचुएशन में है, क्योंकि आपने बहुत तगड़ा लॉस देख लिया है क्रिप्टो मार्केट में, ठीक है, तो आपके लिए स्पेशली ये वीडियो होने वाला है किस तरह से आप उस लॉस को इसी पीरियड में रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। सो हे गाइस, मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं लास्टली स्पोकन। सो स्टेकिंग, जो लोग नए हैं या फिर जिन लोगों को ये आइडिया नहीं है एग्जैक्टली स्टेकिंग क्या है, तो स्टेकिंग है एक फिक्स्ड डिपॉजिट और वो क्रिप्टो करेंसी में, ना कि आपके लोकल करेंसी में। यानी क्रिप्टो करेंसी आपके पास है, आपके वॉलेट में एग्जांपल के लिए कुछ बिटकॉइन है, और जो एक्सचेंजेस हैं या फिर जो स्टेकिंग में आपको रिवॉर्ड प्रोवाइडर्स होते हैं, जो एक्सचेंजेस होते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप अपने जो टोकन्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनको हमारे पास एफडी कराइए। एफडी में क्या होता है, दो तरह की एफडी होती है। एक होता है कि फिक्स्ड आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको जो है लॉक कर देते हैं, उसके बाद उस टाइम का मैच्योर होने के बाद फिर एफडी आप रिलीज करा सकते हैं। दूसरा होता है एफडी जो डायनामिक होता है, यानी जिसको आप बाद में, मतलब कम्प्लीटली आप उसको लॉक नहीं करना चाहते। उसमें क्या होता है कि कभी भी जब भी आप चाहें उसमें उस टाइम पर आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट जो है वो कम मिलता है। तो इसी तरह की स्टेकिंग में दो तरह की स्टेकिंग होती है, एक होती है फिक्स्ड जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, और दूसरी होती है डायनामिक जिसमें कभी भी आप अपने एफडी को तोड़ सकते हैं। तो स्टेकिंग में भी कुछ इसी तरह का जो है आपको ऑप्शन मिलेगा। सो इसके लिए मैं चलता हूँ बाइनेंस पर और किस तरह से आप स्टेक कर सकते हैं अपने टोकन्स को, किस तरह का रिटर्न आपको मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। एंड बिलीव मी, अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है आपके वॉलेट में, तो उसमें कई 100% का रिटर्न लेने का बहुत अच्छा मौका है फिलहाल, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई मिल रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड कि कितना और किस तरह से आप ये स्टेक कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जाऊंगा binance.com पर, जो कि आपके सामने अभी फिलहाल है, और मैं यहां पर लॉग इन करता हूं एक बार इसको, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। लॉग इन के लिए यहां पर एक QR कोड का ऑप्शन दे रखा है बाइनेंस ने, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। ऑलराइट, जिन लोगों ने बाइनेंस में अकाउंट नहीं बनाया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आप वहां पर जाके आप अपना KYC सबमिशन कर लीजिए और आपका इंस्टेंटली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर किसी दूसरे एक्सचेंजेस में आपके पास वॉलेट में कुछ अमाउंट है तो उस अमाउंट को आप यहाँ पर ट्रांसफर कीजिए, और किस तरह से स्टेक करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं अगर वॉलेट में जाता हूँ, कुछ कॉइन्स में मैंने यहाँ पर स्टेकिंग में लगाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अकाउंट शो कर रहे हैं आपको बहुत सारे, जो एग्जैक्टली मुझे भी कंफ्यूज करते थे स्टार्टिंग में। यहाँ पर फिएट एंड स्पॉट फंडिंग क्रॉस मार्जिन, तो इस तरह से अलग अलग इनके अकाउंट हैं। तो यहां पर आपको अर्न वाला जो ऑप्शन है इस पर आपका अमाउंट शो करेगा अगर आप स्टेक करते हैं तो, क्योंकि आपका जो फंड है वो तो है तो आपके अकाउंट में ही, लेकिन वो स्पॉट में नहीं, वो अर्निंग वाले अकाउंट में शो करेगा, ठीक है। तो अगर आपके वॉलेट में, स्पॉट अकाउंट में कुछ अमाउंट है किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, तो आप जाइए अर्न के ऑप्शन में, यहां पर ये अर्न का ऑप्शन मिल रहा है आपको। इस पर जाने के बाद अब आपको जाना है स्टेकिंग के ऑप्शन पे, इस पर क्लिक कीजिए। स्टेकिंग में जाने के बाद आपके पास दो तरह की स्टेकिंग शो कर रही है, पहला है लॉग्ड स्टेकिंग, दूसरा है डीफाई स्टेकिंग।
वेल, लॉक्ड और डीफाई में थोड़ा सा अंतर इतना सा है कि लॉक्ड स्टेकिंग जो है बाइनेंस करा रहा है अपने एक्सचेंज के ऊपर, इसका इंटरेस्ट या जो भी आपको प्रॉफिट देगा वो कौन देगा? बाइनेंस देगा। लेकिन डीफाई में क्या होता है, कोई भी एक्सचेंज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ठीक है। तो एक कहने का मतलब है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो होते हैं वहां पर आपको ऑटोमेटिकली जो भी आपको परसेंटेज दिख रहा है उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। फिलहाल हम बात करते हैं लॉक्ड की, जो बाइनेंस दे रहा है उस पर, ठीक है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात फिलहाल नहीं कर रहे, वो थोड़ा रिस्की भी होते हैं। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स दिख रहे हैं इस एरिया में, और यहाँ पर ड्यूरेशन दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए ये मिनिमम कितना आप स्टेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको दिया गया है, कुल मिला के ये टोकन का नाम है, और उसके बाद ये आपको इंटरेस्ट दिख रहा है कि ये इंटरेस्ट सालाना है, तो एक साल में इतना परसेंट आपको जो है रिटर्न मिलेगा जो भी आप स्टेक करेंगे। कितने दिन के लिए करेंगे वो डिपेंड करेगा यहाँ पर, इस हिसाब से 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज के लिए, कितने दिनों के लिए आप उसको लॉक करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि आप कौन से टोकन यहाँ पर चूज करें कि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले, क्योंकि यहाँ पर देखिए लगभग 108 टोकन या कॉइन हैं जिनको आप यहाँ पर स्टेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आपको रिटर्न दे रहे हैं उनको पिक कर सकते हैं। उसके लिए दो टोकन मैंने पिक कर रहे हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग तो है ही, साथ में आपको बाइनेंस में बहुत तगड़ा बेनिफिट मिल रहा है। उसके लिए दो टोकन ये हैं, पहला है एक्सी इन्फिनिटी AXS, ये एक टोकन है जो कि मेटावर्स से रिलेटेड या गेमिंग से रिलेटेड एक टोकन है जो कि बहुत स्ट्रांगली लिफ्ट हुआ था 2021 में। यू वॉन्ट बिलीव इसने, इस टोकन ने लगभग आप देख सकते हैं कितने हजारों परसेंट का यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है केवल 2021 के अंदर ही। कहाँ इसका प्राइस आधे डॉलर से भी कम था, और इसने हिट किया ऑल टाइम हाई लगभग 166 डॉलर के आसपास। तो फिलहाल मार्केट ऑलरेडी लगभग 50-60% या उससे भी ज़्यादा क्रैश हो चुकी है। इनफैक्ट यहाँ पर देखिए 165 से यहाँ देखा जाए तो 44 डॉलर का ये जो है 40 डॉलर के आसपास का लो बना चुका है ये। तो कह सकते हैं 64 क्या, ये तो फिर ऑलमोस्ट यहाँ से अगर मैं ऑल टाइम हाई देखूँ तो लगभग 217% का रिटर्न चाहिए ऑल टाइम हाई अचीव करने के लिए। तो मार्केट बहुत एक्सट्रीमली अभी क्रैश हो चुकी है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी फंड पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू तो अभी देखा जाए कि कुछ नहीं है मार्केट के हिसाब से। अगर आपने AXS टोकन भी लगभग 160 के आसपास खरीदा होता तो उसकी वैल्यू आप देख लीजिए इस टाइम पर, देखिए एक ही टोकन की लगभग 50 डॉलर के आसपास रह चुकी होती, तो आप बहुत तगड़े वाले लॉस में होते। तो अगर आप ऐसा है तो आप यहाँ पर बेचने से अच्छा है कि इसको स्टेक कीजिए, जब तक भी ये बेयर रन चल रहा है चलने दीजिए, या फिर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं एक सही, क्योंकि अभी जो है ऑलरेडी मार्केट क्रैश है, पुल बैक है, डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक है। इस टाइम पर अगर आपके पास आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट चाहिए, केवल एक दो महीने का आप ख्याल हटा दीजिए माइंड से, अगर आपको अगले एक आध साल में अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए मार्केट से, तो ये सही टाइम है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और नीचे आए, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग पुल बैक आया है, और इसको अगर आपके पास रिस्क में लगाने के लिए कैपिटल है, अगेन क्रिप्टो करेंसी जो है वो रिस्की फील्ड है, यहाँ पर रिस्क हाई हो जाता है, रिस्क फैक्टर, अगर आपको रिस्क लेना है उसके बदले रिवॉर्ड आपको बहुत खतरनाक वाला मिलने वाला है। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ टोकन, केक और AXS, इन दोनों के टोकन्स के जो रिटर्न से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ AXS, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 120% के आसपास जो है इसका रिटर्न है, और जो कि पूरे मार्केट यानी पूरा यहाँ पर स्टेकिंग जो भी लिस्ट है इनमें सबसे ऊपर है ये, और 90 डेज के लिए आप स्टेक कर सकते हैं, स्टेकिंग अवेलेबल है। तो सामने आप यहाँ पर टेन्योर पिक कीजिए, जैसे मैं यहाँ पर देखूँ 75% का है 30 डेज के लिए, और अगर ऐसे ही मैं 60 डेज के लिए स्टेक करता हूँ तो 89% का है, और सबसे ज़्यादा है 90 डेज के पीरियड में। अगर मुझे अगर देखा जाए 30 डेज और 60 डेज के लिए, फिलहाल तो ये सोल्ड आउट यहाँ पर शो कर रहे हैं, इसका मतलब मैं नहीं कर सकता स्टेक।
अब मेरे पास ऑप्शन है 90 डेज का। अगर मेरे पास लंबा विजन है तो मैं फिलहाल क्या करूंगा, 90 डेज सेलेक्ट करके स्टेक नाउ पे क्लिक कर दूंगा। अब यहां पर इस एरिया में आप नजर दौड़ाइए, मिनिमम कितना है, 0.001 एएक्सेस टोकन। अगर मैं फिलहाल देखूं $1,000 के हिसाब से, अगर मैं 20 एएक्सेस टोकन की बात करूं, $50 का एक टोकन है एएक्सेस, तो अगर मैं 20 की बात करूं तो लगभग $1,000 के आसपास हो रहा है। सो इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 75,000 के आसपास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 20 टोकन स्टेक करता हूँ, आई थिंक यहाँ पर एक मैक्सिमम इन लोगों ने लिमिट सेट करी है मेरे अकाउंट के लिए। उसका रीज़न ये है कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर स्टेक कर चुका हूँ, केक में मेरा स्टेकिंग लगी हुई है, तो उस हिसाब से उन्होंने एक लिमिट सेट कर रखी है एक अकाउंट के लिए। तो अब यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दे रहा हूँ इसकी कैलकुलेशन का। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर 20 एएक्सेस टोकन का जो कैलकुलेशन है उसका स्क्रीनशॉट एक बार आप देख सकते हैं। इसमें आप अगर लास्ट में देखें स्क्रीनशॉट के, यहाँ पर दिया हुआ है एस्टिमेटेड इंटरेस्ट, यानी 90 डेज के बाद आपको रिटर्न कितना मिलेगा, तो उसका आंसर है 5.95 एएक्सेस टोकन, यानी लगभग 6 टोकन आपको मिलेंगे 90 दिनों की स्टेकिंग में, अगर आप करते हैं 20 टोकन को स्टेक, यानी जो कि होते हैं लगभग $1,000 के आसपास, अगर उतना आप इंटरेस्ट यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, ये स्टेक करते हैं 90 डेज के लिए एक्स इन्फिनिटी टोकन पे, तो आपको 6 यानी 6 एएक्सेस टोकन मिलेंगे, जिसकी वैल्यू अभी के हिसाब से देखिए कितना है, लगभग $50 के आसपास है, $52 के आसपास है। तो आप 52 × 6 कर लीजिए, कितना हो रहा है, लगभग $300 के आसपास हो रहा है, यानी 1,000 अगर आप लगा रहे हैं, $1,000 90 डेज में, उसमें आपको रिटर्न मिल रहा है $300। सो गाइज, ये है स्टेकिंग का की पावर। सो इसीलिए अगर आपके अकाउंट में इतने वर्थ के टोकन हैं, तो इसका एक्स इन्फिनिटी में अगर आपके पास टोकन है ऑलरेडी, तो आप उसको यहाँ पर स्टेक कीजिए, या फिर फ्रेश अमाउंट भी लगाना चाह रहे हैं तो 75,000 में 3 महीने के अंदर आपको $300 का मतलब है लगभग 20,000 से ऊपर का जो है रिटर्न आपको मिल रहा है, तो विच इज रियली इनसेन। और ऐसे ही दूसरा टोकन मेरे पास है केक, जिसमें मेरा खुद पर्सनल जो है स्टेकिंग लगा हुआ है यहाँ पर। तो मैं एक बार केक के बारे में आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी स्टेक किया हुआ है। पहले मैं दिखा रहा हूँ कि केक में रिटर्न कितना मिल रहा है, केक में रिटर्न थोड़ा कम है। उसका रीज़न है कि केक ऑलरेडी क्रैश बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसलिए इसमें मैंने स्टेकिंग करना स्टार्ट करा। सो केक मेरे सामने फिलहाल है, इसमें अगर स्टेक नाउ पर क्लिक करता हूँ 90 डेज के लिए, यहाँ पर 70% का रिटर्न है पर एनम, और इस पर भी जो 60 डेज हैं और 30 डेज अवेलेबल है, और 60 डेज का जो है सोल्ड आउट है। सो 30 डेज के लिए 42% के ROI पे भी मैंने यहाँ पे स्टेकिंग लगाई थी, और लेट्स सी उसका क्या रिजल्ट है। फिलहाल 1 महीना होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, लेट्स सी, मैं जाता हूँ यहाँ पर अर्निंग के ऑप्शन पे, एंड यहाँ पर मेरे पास जो स्टेक्ड है फ्लेक्सिबल, जी हाँ फ्लेक्सिबल में बात कर रहा था, फ्लेक्सिबल में डॉट अवेलेबल है मेरे पास, तो उसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। जो लॉक्ड है, लॉक्ड में मेरे पास है केक, हम बात कर रहे हैं स्टेकिंग की ना कि सेविंग की, सॉरी। ओके, ये है केक, जो कि जस्ट अ सेकंड, आई थिंक इन लोगों ने जो है इसको, ओके ठीक है, इसकी वैल्यू हिडन थी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था। सो ये है गाइज, अभी तक मैंने इसको स्टार्ट किया था, सब्सक्रिप्शन डेट 10 मार्च 2022 को मैंने ये सब्सक्राइब किया था, और इंटरेस्ट रेट वही है फिलहाल जो शो कर रहा है, 30 डेज के लिए था, ठीक है। और इसका इंटरेस्ट यानी कितना मैंने होल्ड किया था, 84 केक के आसपास मैंने होल्ड किया था। अभी फिलहाल केक की वैल्यू चेक कर लेते हैं,
ये केक की वैल्यू है फिलहाल लगभग $8.5 के आसपास वैल्यू है, और केक का ऑल टाइम हाई बहुत ज़्यादा है जो लगभग $43 हिट करके आ चुका है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो लगभग 400% अप अगर जाएगा तो ये ऑल टाइम हाई को जो है रीच करेगा। फिलहाल अगर केक आपके पास है वॉलेट में तो 42% के रिटर्न के हिसाब से देखें तो 30 डेज में तो ये लगभग मुझे दे रहा है 3 केक। अगर इसी प्राइस को अगर मैं ऑल टाइम हाई से रिलेट करता हूँ तो ये $48 हिट कर चुका है, जो कि अच्छा खासा पोटेंशियल रखता है इन फ्यूचर में लिफ्ट करने का। सो यही रीज़न है स्टेकिंग में जो है मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप अपना अमाउंट ज़रूर लगाइए। टोकन आपको ऐसे भी मिल सकते हैं यहाँ पर जो कि बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा लिफ्ट करेंगे और उसमें इनफैक्ट आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिखेगा। फिलहाल एक्सी इन्फिनिटी के अलावा कोई किसी और टोकन में इतना तगड़ा इंटरेस्ट मुझे दिखा नहीं, इनफैक्ट केक में भी बहुत कम है। और एक्सी इन्फिनिटी अच्छा टोकन भी है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ और ऐसे टोकन दिखे जहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है लेकिन आपने चेक किया कि उस टोकन की या उस कॉइन के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, तो वहाँ पर लॉक करने से आप बचें। वहाँ पर 90 डेज में हो सकता है कि वो कॉइन जो अभी फ़िलहाल जहाँ पर है वहाँ से ज़ीरो भी आ सकता है, क्योंकि क्रिप्टो जो है वो बहुत रिस्की फील्ड है। तो थोड़ा सा अपना आप दिमाग लगाइए और उसके फंडामेंटल्स को चेक कीजिए, उसकी बैकिंग चेक कीजिए कितना स्ट्रॉन्ग कॉइन है, उसके बाद फिर आप स्टेकिंग में जा सकते हैं। रेकमेंडेड हैं ये दो कॉइन जो मैंने आपको दिखाए, AXS टोकन और केक। इन पर अगर आपके पास फंडिंग है या फिर ऐड करना चाहते हैं, रिस्की गेम खेलना चाहते हैं, क्योंकि रिस्की गेम का मतलब ये नहीं कि आप अमाउंट को पूरा दांव में लगा रहे हैं। रिस्की गेम का मतलब है रिस्क आप हाई ले रहे हैं तो उसके बदले रिवॉर्ड आपको और ज़्यादा हाई लेना है, क्योंकि जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो गेम है वो रिस्क टेकर्स का ही है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो फिर आप इस मार्केट से दूर रहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं पे भी कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट हो कहीं पे भी, वहाँ पर भी आपको सबसे पहले अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो जज करनी होती है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे अमाउंट को आप यहाँ पर लगा रहे हैं जिसको रिस्क पर लगा के आप आप एक बड़ा रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो विच इज़ ओके, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि उस पर रिस्क भी है, यानी वो जो अमाउंट आपने लगाया वो रिस्क पे आप देना ही नहीं चाहते, देन आई वुड से कि फिर आप दूर रहिए क्रिप्टो मार्केट या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट से या फिर किसी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी से आप दूर रहिए, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लगाना चाहते तो रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते। ठीक है, सो गाइज ये रहा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बाइनेंस स्टेकिंग पे। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ठोकना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी ट्रेडिंग।